यहां से रामलीला की प्रस्तुति की जा रही है। सकली कहे काबे हो जो बिघन मनावा है देव कुचाली। हरी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अरे देवताओं तुम भजन में लगे रहते हो, कुछ तुम्हें मालूम भी है? हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ भजन ही करते रहो। अयोध्या में और राम का राज अभिषेक हो रहा है, अगर उनके लिए राज मिल गया, राज तिलक उनका कल हो गया, तो जीवन भर हिंजे रावण के गांव में पड़े रहे। या तो सही कह रहे हो, फिर क्या युक्ति होनी चाहिए? युक्ति कुछ बनाओ। अब ऐसा करते हैं कि मैया सरस्वती को मनाते हैं। हाँ, क्यों? मैया सरस्वती आ जाएगी तो हमारा तुम्हारा काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। उनसे उनकी प्रार्थना करो, उन्हें मनाओ। वे यहाँ आ जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि ये राज तिलक नहीं, वनवास। अगर राम का वनवास हो जाएगा तो देवता हमारी तुम्हारी कैद कट जाएगी। मनाओ सरस्वती। अरे सरस्वती पीड़ा धारी रखिए सभा में मैया लाज, सरस्वती पीड़ा धारी रखिए सभा में।
हरी विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी दर्शन दो। हे माता, जब रामचंद्र जी का राज तिलक हो जाएगा तो हमारा कैसे उद्धार होगा? हम इस रावण की बंदी में ही मर जाएंगे। माता हमारी रक्षा करो, माता रक्षा करो। हे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा निवास है लेकिन तुम्हारी करतूत बड़ी नीची है। तुम अपने हृदय में किसी का भला नहीं सोचते, तुम्हें किसी का भला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे हित के कारण मैं अयोध्या जाती हूँ और मंत्रा की झुपड़िया पर निवास करूंगी। बजाय राज तिलक के राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दिलाऊंगी और तुम्हारा लंका से उद्धार कराऊंगी। सरस्वती मैया की जय। बोली विष्णु भगवान की जय। अरे हर सिंह दे इस तरह से माता सरस्वती मंथरा के मस्तिष्क पर बैठकर अपना काम प्रारंभ करती है। इधर मंथरा के मस्तिष्क पर बैठ चुकी हैं और मंथरा क्या करेगी यहां से आगे? नाम मंथरा मंत मती या। हो बेटा लूचू, अरे आज कहाँ जा रही है बड़ी सही दस के? अरे अब तू बुढ़ापे मजाक क्यों ना कर रहे वो? अरे आज तो वो लगना रहे को तो बुढ़ापो है। अरे बेटा तू ऐसे मत के। कैसे आएगा बुढ़ापो बताइए, कितने आएगा? मूड कहाँ पे रहो? अरे कैसे कहाँ पे रहो, कुछ बता तो सही। अरे तू तो ऐसे ही करेगा। अरे बता। अरे मान जा तू। अरे बता अम्मा, बता अम्मा। हाँ बेटा लूटू। अब ये बात बताए बुढ़ापो तो बा आओ किधर किधर थे ना माने वो ना बताए दैया कि तते बुढ़ापो मेरी आए हाय दैया तो बुढ़ापा बोले ढूंगा मार रही है काका जाओ तो डोकर। अरे तू तो ऐसे ही कर रहा हो। अरे बहुन के राज में मैं खानो पीनो छोड़ दो। राज में मैं खानो पीनो छोड़
आए गैया टुकरा जलेबी में पल्लोरी पल्लो अरे जो आता अरे का है बाबा मेरे बेटा और यहाँ तो ढोल दबा के बाहर जो का तो हमारी अम्मा कहाँ सो रही या का है आज ने दुनिया में ढोल नक्काले बाज रहा है वो तो तू कति जानकारी ना ना मो ना आई खबर दुकरे की जलेबी खाने में रह गई बेटा बता लूचू मैं बता रहा हूँ अम्मा कल हर के यहाँ भगवान राम को राज तिलक हो गो भगवान राम हाँ और भगवान की खुशी में जे ढोल नगाड़े और पुरवासी खुशी मना रहे हैं ए और बेटा भरत लाल को अम्मा उन्हें कुछ ना मिले हो कुछ ना मिले हो ना ओ पल्लोरी पल्लो कार्य कर बेटा को हरे राज आ पल्लोरी पल्लो अब का होना चाहिए अब चलती हूँ अम्मा हाँ बेटा ओ अम्मा हाँ अब बताए अब थोड़ा जो बताए अब नामों का अच्छा अच्छा लाग रहा अरे मेरी तो सुन ले ना जो सिगरे काम जो सिगरो उमरो सिगरो देश जो एक ही मानते हो भगवान राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और तू भरत को कहाँ त्याग लगते मानते हैं अरे मेरो बेटा है वो भरत वो कार्य कर बेटा को राज और कौन है राज हो तो मेरे भरत को हो ना हो ना जा दे चलती हूँ मैं अब रानी जी के ढोले चलते हूँ अब ऐसी विधि सोचते हूँ अब चलती हूँ रानी जी से प्रणाम तो करूंगा नौकर रानी साहब ने भी तो और कुल मिलाकर जवाब ना दी देखे बोलांगी क्या मोती ना ऐसो तीर चलाऊंगी महाभारत में खेले ही ना हूं चलती हूँ अब रानी जी प्रणाम करती हूँ मैं आपको खुश रहो दासी अरी दासी आज ये क्या हालत बना लिया तूने अरी दासी हेलो उत्तर ना देई ना लेई उसासू नार चरित्र कर ढारे आंसू अरी दासी आज तो पूरे नगर में खुशी है रामचंद्र जी का राजतिलक हो रहा है पूरा नगर खुशी मना रहा है तू ये क्या कर रही है दासी दासी क्या हुआ अरे दासी हम सब ने शीश गुंदाए हैं और तूने ये बाल बखेरे हैं शकुन रो रही है दासी ये कैसे लक्षण तेरे तू कहीं झगड़ कर आई है सौगंध मेरी बदला मुझको दासी क्यों आज उदासी है अरे
हाथ में रानी जी कुछ पता क्या हुआ तुझे दासी? तुम्हें कुछ नहीं पता? पता नहीं है, आज राज तिलक है राम का, श्री राम का। तू रूठी रूठी क्यों डोल? तुम्हें कुछ ना कहा बता, कहा बात होगी? तुम तो खाने में गस्सा देते हो। अरे क्या तुझसे रामचंद्र जी ने कुछ कह दिया है? लखन जी ने कुछ कह दिया? कुछ नहीं कहा है मुझसे। फिर क्यों रूठ रही है तू? मैं तो इस बात को कह रही हूँ, जे रानी जे बांदी से तो रानी होने जा रही है, और रानी से बांदी होने जा रही है। तुम्हें कोई ना पूछ लो ऐसी कहा बात है तो सुनो। सुना दासी? अरे जिसका होगा कल राज तिलक मर्तबा बुलंद, उसी का है राजा जी जिसे सहाते हैं रानी फंद, उन्हीं का है। अरे कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है मातों में, बजते हैं ये नकारे इनकी आवाजों में दम है। अरे रानी, अरे खुल गए भाग कौशल्या के, ये तो दया बिंद ना की है, किस घोर नींद में हो रानी, अब लोग चाल राजा की है। रानी जी, अरे तू सदा चौसर जीतती थी, अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। रानी जी अब क्या हो, क्या होगा और क्या हो रहा है? अरे बे रंगम है भदरंग है तू, बे रंगम है भदरंग है तू, क्या पास इंद्रप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके पो मारे हैं। रानी जी वे बाहर आने वाला है, पता है वे बाहर आने वाला है, जो तीर छुपाकर कसम है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है, कुछ नहीं पता तुम्हें। रानी जी अरे जो प्राण तुझको समझते थे तो निस्वास तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे तो नैनों का तारा कहते थे। रानी जी पता है बे ही राजा और बे ही दशरथ, अब तेरी जड़ काटे जाते, हकदार राम को मानाया उसको मुकुट पहनाते, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होगा छल और कपट। हरिदासी तू ये कहना क्या चाहती है? तेरी तू तो रंग में भंग डाल रही है दासी। दासी ये तेरे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते दासी। अरे चल निकल यहाँ से चांडा लिन, किसने तेरी मत मारी है? अरे किसने तेरी मत मारी है? तू स्वच्छ रूई की तेरी को बन कर आई चिंगारी। युवराज बनेगा रामचंद्र दासी तुझे मुंह मारा दूं। मुख्य अनुचरी अरी है मेरी दासी, तू मुख्य अनुचरी है तू पुरस्कार भी ले। कल है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारिए ले। मुझे ना चाहिए ले, तुझे मैं खुशी में ये हार दे रही हूँ क्योंकि कल राम का राज तिलक है। सुनो तुम्हें कुछ खबर ही ना, हार हो जो तुम्हें हारा कर गए हारे गए ना, हार तो तुम्हारी पहली है रही है, हार तो तुम्हारी पहली है रही है। रानी जो ये हार तुम ही सोवा दे, दासी न लालच माल की है जीत राम की और हार उस भोले भक्त लाल की है। रानी जो तुम पता है कुछ दासी तू? अरे बक मेरे सुनो तुम तो कान में गस्सा देते हो, तुम कुछ खबर तुम तो बांधी बन के रहोगी, मैं तो हूं ही बांधी भगत काट लेंगी, तुम्हें कौशल्या गोबर बना पाते। अरे तू
तू बता क्या कहना चाहती है तेरी तो रानी जू ये हार तुम्ही सोवा दे दासी ना लाल की माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है होगा यार तुम्हें रानी पता है तुम्हें कुछ दासी याद है क्यों पता है होगा यार तुम्हें रानी तुमसे ब्याह किया था राजा ने तेरा ही पुत्र निरपत होगा ये वचन दिया था राजा ने अब इस चालाकी को देखो रानी जी चालाकी पता है तुम्हें इस चालाकी को देखो कि ढंग से पलटा लेते हैं पर देश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं अरे रानी जी अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नोते हो एक पुत्र को राज तिलक तो बेटे मामा जी के हो रानी जी सुनो एक बात है आपका अधिकार नहीं है इस अवधपुरी में आपसे पूछी परदेश में तो भारत परे तो यानी उन्हें बुला लेते या उनसे सलाह ले लेते तुम तो सलाह ले राजा दासी तू राम भरत की बात कर रही है हरिदासी मुझको समान है भरत राम एक ही पेड़ की शाखे हैं अरे कई पेड़ की शाखे मुझ चिड़िया के दो पर हैं ये मेरी दोनों दो आंखें भरत राम से प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है गोदी का भरत दुलारा है गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है दासी मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं है मुझे राम ही मुझे भरत बराबर है कोई अंतर नहीं ना दासी तुम्हें कुछ ना पटो अरे क्या गरज पड़ी मेरी अपना मुंह नुचवाऊं मैं दोनों में से तो कोई राजा हो मैं तो दासी कहलाऊं मैं रानी हूं मैंने तो अपनी शर्त अदा कर दी जो अब तक नमक खाया था इसलिए भरत का ख्याल मुझे बरसों से गोद खिलाया था रानी जी शतरंज बिछिया जो जिसमें मात तुम खाओगी नक्शा ऐसा बनता जा रहा है घर में ही चिच जाओगी रानी जी अरे तुम घोड़ों की चालों पर रहो प्यादा सा उधर दे रहा है रस्ते बजरी ने रोके रुख बादशाह का फेरा है अरे उत्सव जिसे समझती हो रानी जी उत्सव जिसे समझती हो वह कुश्ती लड़ने का दंगल है इस ओर अकेली एक तुम ही उस ओर पर जा तक काबल है अब देखे कौन विजय पाए लक्ष्मी किस पर बलिहारी है सच तो है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है रानी जू पता है तुम्हें बता दासी यदि तुम इस लड़ में हार गई पता है यदि तुम इस लड़ में हार गई तो भरत रहेगा दासों में रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में पता है तुम्हें भारत दास रे वो तुम दासी रहोगी और कौशल्या ठोकन पर आख है अरे रानी जी अरे धिक ऐसे परवश जीवन पर धिक ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है रानी जी इस घर में अधिकार नहीं है इस घर में सम्मान नहीं है तो वहां मर जाना ही बेहतर है वहां रहना सही नहीं दासी रानी जी कहीं कहा तो दासी बात तू सही कह रही है पता ही नहीं तुम्हें पलटता चलती हुई बाजी में हेलो हेलो राधे चतुर गंभीर राम महतारी
बीच पाए निजुबात बिगारी। इस दासी की कहीं कहां तो बात मुझे कहीं थी के कहीं सही लग रही है दासी। अरे दासी तू ठीक कह रही है, कुछ ध्यान मुझे भी आता है मेरी प्यारी रानी। अरे कुछ ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तुझको जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है ये सब पहचान लिया मैंने। अरे तू बुद्धिवती है तू बूढ़ी है, तू ही ये राह दिखा मुझको दासी। अरे तू ही ये राह दिखा मुझको, ओ भरत लाल का राज तिलक वो सही उपाय बता मुझको। अभी तो एक दिन है, छड़ भर में पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी बता तो सही मुझे, बताओ बता दासी। होगा याद तुम्हें रानी, दो बार राजा पर था थी, घर का युद्ध जीतने को बस भाई तीर दो काफी। रानी जी आज ही खेलना जाकर शिकार, आज ही खेलना जाकर शिकार, रखो विस्वाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मेरा की चौकड़ी बुलाकर तुम। कौन से दासी बताओ क्या करोगे, समझा मुझे। ये ईटने टीटने जे जे सब निरप जब अंत पर में आए तो क्या करोगी, तिरछी भौंए करो कमानो, पहले दिखलाओ त्रिया चित्र फिर मांगो न वरदानों को। तो दासी त्रिया चित्र कैसे होता है, बताऊंगी सुन ले मत, महाभारत में तीर फेल है जे मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग में सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। रानी जी कहना दो बचन मांगती हूँ, कहना दो जो दो बचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवा लो। दासी दासी मुझे बता तो सही कैसे, बताऊंगी भी तुम अगर मेरी बात मंजूर कर लो तो। दासी मंजूर है, जैसे तू करेगी वैसे दासी। रानी मुझे तू करके दिखा क्या है, मुझे बता दो शिकार। तुम्हें त्रिया चंद्र की ना खबर, त्रिया चंद्र कैसे हो तुम, मैंने कही कतरची भोय करो कमानो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अब मैं बताऊ तुम मैं क्यों सो करो बता दासी। अब तुम तो बन जाओ थोड़ी देर राजा और मैं बन रही हूँ तुम्हारी रानी। अच्छा अब तुम त्रिया चर देख लो, करके दिखा को बताया जैसे त्रिया चर ये उकट मुकट ये हमेल और ये अय्या पैया मेरे पैरे डोर रही हूँ, मुझे काखवा जी का पैरे हो तुम, जो सिगरे अंग भंग करके मेरी तरह केस करके सिगरे, और तो महलन में जाइयो और महलन में क्या करोगी, क्या करोगा जो हिया ना है ऐसी
सूखी पत गद्दा बिछा के लेटा धरती पे पर रही है ऐसी पे। अब बताओ कैसे परवाई जाएगी। अब तुम राजा बन जाओ, मैं रानी बन रही हूँ तुम्हारी। ठीक है दादी। अरे रानी, अरे रानी, अरे क्या हुआ तुम्हें रानी? पूरे लक्षण हैं दासी, समझ चुकी हूँ मैं। समझ गई तुम? समझ चुकी मैं। जाए काम करियो। अच्छा दासी ठीक है। हाँ मत भूल जाओ, तू थोड़ी देर रह। अरे काहू पीती चे बात में समझ चुकी। पर दासी एक बात है। क्या बात है बताओ? अरे मंथरा कदापि नहीं होगी, उस कौशल्या की मनमानी अब। अरे उस कौशल्या की मनमानी अब, युवराज बनेगा भरत लाल हटिए ही मैंने ठानी अब। चंद्र दासी एक शर्त तुझे मेरी माननी पड़ेगी। मान भाई मानूंगी। युवराज बना है जो राम चंद्र, अरे कोमल है और निर अपराधी है। अरे कोमल है निर अपराधी है, 14 वर्ष तो बहुत हुई, 2-4 वर्ष बन की तू बात कर रही है। तुम्हारी गलत बात है, यही गलत है। 2-4 वर्ष बहुत हैं। आई जब नाव किनारे पे, फिर जल्दी तूफानों में अपने हाथ मार रही कुल्हाड़ी आप पैरों में। अरे समझा बुझाकर हारी में तुम फिर भी वह की जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उन पर दया दिखाती हो। रानी जी, अरे इस राज बहुत सबकी है रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। अरे एक एक दिन के बदले, एक एक साल तक आए भरे बेटा, 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करें। रानी जी फिर बताया भरत कैसे है जाएंगे इतने दिन में, भरत लाल जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाए तो उनको हटाना पाएंगे। फिर तीसरे शीघ्री आने पर भय राम राज ही आ पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में। रानी जी यदि 12 साल रहे वन में तो हक से बेहक हो जाएंगे, इस कारण 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 बाजे में है। कहती है मेरी सरस्वती 14 साल ही मुनासिब है। रानी जी अब तो समझ गई, अब बन समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ बन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ गोप भवन में तुम जा करके, और अंग भंग सब श्रृंगार करके रूठा मेला में जाके पर रहे हो, बस पेड़ पर जाके सो जा। ठीक है दासी। हाँ जा तो फिर तुम्हें यही काम करती हूँ। ठीक चल मेरी माया।